आपको लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी मनीष शर्मा इस वक्त मौजूद है। मनीष, ये चल क्या रहा है राजस्थान की सियासत में, गहलोत वर्सेस सचिन, अंदर खाने ये लड़ाई जोरों पर? रोमाना, अगर एक लाइन में इस बात को समझा जाए तो अब जो खेल चल रहा है वो चल रहा है तू डाल डाल मैं पात पात। पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम चल रहा था सचिन पायलट के समर्थन में, उनके निष्ठावान विधायक लगातार बयान दे रहे थे, लेकिन अब लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेमा पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। आज भंवरलाल शर्मा जिस तरीके से मीडिया से रूबरू हुए, ये बात बिल्कुल साफ है कि उन्होंने ये तय कर लिया है कि वो अब अशोक गहलोत खेमे में है। कुछ ऐसा ही नज़ारा कुछ देर बाद और सामने आ सकता है जब बीएसपी से गए हुए तमाम 6 विधायक ये दावा करेंगे कि उनके नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। कुछ देर पहले इन लोगों की एक मीटिंग शुरू हुई, मैं इस मीटिंग वाली जगह पर ही इस वक्त यहाँ खड़ा हूँ, और इसमें इन्होंने जिस तरीके की बात की 6 विधायकों ने, अभी इस मीटिंग में 5 विधायक हैं क्योंकि एक विधायक भारत से बाहर गए हुए हैं वादे वाली, लेकिन 6 में से 5 विधायकों का रुख बिल्कुल साफ था कि उनके नेता अशोक गहलोत हैं। विकास के जितने काम पिछले कुछ अरसे में हुए हैं वैसे कभी हुए ही नहीं। तो कुल मिलाकर अब अशोक गहलोत खेमे ने यह तय कर लिया है कि दबाव की राजनीति में नहीं आएंगे। और इसी परिप्रेक्ष्य में कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मीडिया सेल से जो बयान आया कि अगले 1-2 महीने तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी से भी व्यक्तिगत तौर पर नहीं मिलेंगे, तो कुल मिलाकर तस्वीर काफी हद तक साफ है कि गहलोत खेमा दबाव में आने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर जादूगर गहलोत सियासत के अंदर बार बार अपनी जादूगरी दिखाते हैं, और एक बार फिर से संदेश यही कि दबाव में वो आने वाले नहीं है। कल तक जो विधायक सचिन पायलट के साथ खड़े हुए थे, अब वो अशोक गहलोत के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।